ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का आगाज करते। ये हैं अशोक विहार सिंधी समाज के अध्यक्ष भरत वातवानी। मौका है अशोक विहार फेस टू के गीता भारती स्कूल में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का। इतना ही नहीं, इस अवसर पर भरत वातवानी को उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए वजीरपुर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस आज गीता भारती स्कूल ने भव्य रूप में मनाया है। अशोक विहार के समस्त समाज सेवी जैसे कि जनेश भड़ाना जी जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के डेलीगेट है, अशोक खारी जी ग्रीन हैंड्स के प्रेसिडेंट हैं, सर उत्थानियति के जनरल सेक्रेटरी एच एन गोयल जी हैं, ब्रिजमोहन गर्ग जी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं समीर सहगल जी, रविंदर भान जी जनरल सेक्रेटरी हैं वीवन ब्लॉक के, संजय वाधवा जी हैं कांग्रेस पार्टी से, समस्त राजनीतिक पार्टी समस्त समाज सेवी सबने मिल करके आज भारत का जो गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से गीता भारती स्कूल में मनाया। गीता भारती पब्लिक स्कूल अशोक विहार फेस टू आज यहां पर गणतंत्र दिवस का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में श्री भरत वातवानी जी जिन्होंने ध्वजारोहण करके देश के झंडे का नाम ऊंचा किया। रिपब्लिक डे के इस कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति से हुई, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर परफॉर्मेंस कर सभी का मन मोह लिया। सावन पारक वार्ड की निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल ने बच्चों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर शिरकत करने वालों में ब्रिजमोहन गर्ग, अशोक खारी, जनेश बढ़ाना, रविंदर भान, राजेश अग्रवाल, संजय वाधवा, समीर सहगल के अलावा एच एन गोयल, संजय जैन और संदीप तायल प्रमुख रहे। सभी ने भरत वातवानी को उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किए जाने पर बधाई दी। भरत वातवानी जी को आज वजीरपुर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भरत वाधवानी जी पिछले 40 सालों से मेरे संपर्क में हैं और जिस तरह से एक युवा शक्ति के रूप में ऊर्जावान और बड़े सक्रिय रूप से समाज सेवा में कार्य कर रही है, सचमुच में इसके सम्मान के हकदार है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, इसी तरह वो आने वाले समय में समाज की और अपने देश की सेवा करते रहेंगे। आज इन्होंने इस उत्सव में 26 जनवरी के प्रोग्राम में इसके लिए इन्हें वजीरपुर रत्न के लिए नवाजा गया है, जिसके लिए मुझे बहुत बहुत दिनों बधाई देने के लिए अच्छा लगा। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ गीता भारती स्कूल में 26 जनवरी के प्रोग्राम में राजनीतिक मनाया और इसमें हमारे सिंधी पंचायत के प्रधान श्री भरत वातवानी जी को वजीरपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत भरत जी को बधाई। राजरानी जी ने जो ये कार्यक्रम बच्चों का अब गीता भारती पब्लिक स्कूल में रखा, ये उसी का एक रूप दिखाता है कि हर क्षेत्र के बच्चे इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हमारी सारी सामाजिक संस्थाएं जितनी भी इस क्षेत्र की हैं सारी इधर जुड़ के इस क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों में और इस तरह के प्रोग्राम में हमेशा योगदान करती रही हैं। मैं आज के दिन भरत भाई जो हमारे फेडरेशन के मेंबर भी हैं उनको भारत मतलब अशोक विहार रत्न का अवार्ड दिया गया है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। आज गीता भारती स्कूल के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे हम लोग। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसी कार्यक्रम में सिंधी समाज के प्रमुख भाई भरत वातवानी जी को वजीरपुर रत्न के अवार्ड से नवाजा गया। हम भाई भरत को हार्दिक बधाई देते हैं और सबको विदित है कि भाई भरत वातवानी जी वजीरपुर क्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक सामाजिक अन्य कार्यक्रम करते रहते हैं, इसलिए उनको ये अवार्ड मिलना बिल्कुल उचित है। यूं तो गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं,
लेकिन इस मौके को कुछ अलग अंदाज में सेलिब्रेट कर स्कूल की संचालिका श्रीमती राजानी अग्रवाल ने एक यादगार बना दिया। अमित मल्होत्रा, FNI News Bureau।